तो कोरोना की तेज रफ्तार को लेकर, वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी को लेकर न कड़ाई है, सिर्फ सियासी लड़ाई हो रही है। टीका की कमी और वैक्सीनेशन ठप होने के अंदेशे के बीच दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। 12 विपक्षी दलों ने सरकार को चिट्ठी लिखकर हर संभव रास्ते में टीका खरीदने की सलाह दी है, ताकि देश में टीका कम ना पड़े और कोरोना से लड़ा जा सके। उधर सरकार की दलील ये है कि दुनिया में सबसे तेज वैक्सीनेशन भारत में है, और बीती रात पीएम ने ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन दवा तक पर अहम समीक्षा बैठक की और रफ्तार तेज करने का निर्देश भी दिया। लेकिन सवाल यही कि जब टीका ही नहीं है तो ये लगाया कैसे जाएगा। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कोवैक्सीन की कमी को लेकर पहले ही कई वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद कर दिया गया। हम सब लोग सवा साल से मिलकर कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उसी प्रकार से कैसे अभी जो कोविड के केसेस में देश भर में पिछले समय में सर्ज आया है, जनता के हित में कोविड के खिलाफ लड़ाई को जितनी तेजी से कोविड ने प्रहार करने का कोशिश किया, उससे भी ज़्यादा तेजी से आप सब ने मिलकर कोविड के खिलाफ जंग को तेज करने का प्रयास किया है। एक बात साफ है कि केंद्र सरकार ही तय कर रही है कि कहां कितनी वैक्सीन जाएगी, कितनी वैक्सीन देश के लोगों को लगेगी, कितनी वैक्सीन केंद्र सरकार एक्सपोर्ट करेगी, देश विदेशों में बेचेगी, ये केंद्र सरकार तय कर रही है। जब केंद्र सरकार तय कर रही है तो फिर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की गई होती तो दिल्ली और मुंबई के एक एक आदमी को दो दो बार डबल डोज लग चुकी होती अब तक वैक्सीन की। दिल्ली में 18 साल से 44 साल तक के लोगों के लिए कोवैक्सीन वाले वैक्सीनेशन सेंटर्स को अस्थायी तौर पर बंद करने का फैसला किया गया है। अगर कुछ नया नहीं हुआ तो आज दिल्ली के किसी भी सेंटर पर कोवैक्सीन का टीका नहीं लगेगा। बाहर खड़े थे 8:15 बजे से, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है। तो बड़ा पूरा टोटली मिसमैनेजमेंट हो गया। जब देश की राजधानी वैक्सीन के लिए त्राही त्राही करे तो फिर बाकी शहरों का क्या हाल होगा। कल शाम तक हाल ये था कि दिल्ली में 18 साल से 44 साल तक के लोगों के लिए कोवैक्सीन वाले वैक्सीनेशन सेंटर अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला ले लिया। अगर कुछ नया नहीं हुआ तो आज दिल्ली के किसी भी सेंटर पर कोवैक्सीन का टीका नहीं लगेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार के मुताबिक भारत बायोटेक ने दिल्ली सरकार से कहा है कि उसके पास दिल्ली को देने के लिए कोवैक्सीन नहीं है। कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखी है, उन्होंने कहा है कि साफ साफ कह दिया उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक 18 से 44 आयु वर्ग के लिए एक भी दिन की कोवैक्सीन नहीं है, जबकि कोविशील्ड का स्टॉक भी सिर्फ 9 दिन का बचा है। 2,67,690 कोविशील्ड की डोजेस 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लिए दिल्ली को मिली है। तो इसके साथ अभी तक जो टोटल स्टॉक वैक्सीन का दिल्ली को मिला है फॉर द एज ग्रुप ऑफ 18 to 44, वो पहुंच गया है 8,17,000 पे, जिसमें से 3,82,000 3,82,000 यूज हो चुका है और 4,35,000 अगले कुछ दिनों की वैक्सीनेशन के लिए बचा हुआ है। हालांकि दिल्ली के इस वैक्सीन संकट के लिए बीजेपी दिल्ली सरकार पर भी निशाना साध रही है। मतलब आपने हमें कहा कि आपने 26 तारीख से प्लान किया, मन बनाया, और उसके बाद आपने चिट्ठी लिखी 7 मई को, जवाब मिला 11 मई को, और चिट्ठी भी 7 मई को क्या लिखा, हमारा इंटरेस्ट है, हमारे मन में इच्छा है कि हम खरीदें। इच्छा से नहीं होती है, नेगोशिएशन के कुछ फंडे होते हैं, मुझे कष्ट हो रहा है ये कहते हुए। नेगोशिएशन में एडवांस पेमेंट करना होता है, जो आपने खुद माना है कि आपने एडवांस पेमेंट नहीं किया है। इस प्रकार से ऑर्डर प्लेस होते हैं जो आपने नहीं किया। दूसरे राज्यों का हाल भी बुरा है। महाराष्ट्र में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का टीकाकरण रोका गया है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक 45 प्लस के लोग उनकी प्राथमिकता है, क्योंकि उन्हें दूसरी डोज देने की जरूरत है, क्योंकि समय पर दूसरी डोज जरूरी है, चाहे कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड, सारी वैक्सीन अब 45 प्लस के लिए डायवर्ट कर दी गई है।